हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात है। और आप हैं ज्योति के साथ, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वोटिंग। जी हाँ, वोटिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक ही है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो उस आधार पर हम सभी का ये कर्तव्य है कि खुद भी वोट दें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, उनको समझाएं, उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वोट देना कितना ही ज़रूरी है, और वो भी जाके अपने मत का दान करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जैसे हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पे हमें हमारे संविधान से कुछ अधिकार मिले हैं, और उन अधिकारों में हमें एक अधिकार ये भी मिला है कि हम वोट कर सकते हैं, हम मतदान दे सकते हैं, और ये अधिकार हम यूज़ कर सकते हैं किसी सरकार को बनाने में, किसी सरकार को गिराने में, या खुद की सरकार बनाने में। तो इसको हल्के में ना लें और वोट ज़रूर करें। हम देखते हैं अमूमन कि कुछ लोग इसके लिए बिल्कुल भी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, और अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इस दिन को छुट्टी की तरह बिता देते हैं और उस दिन अपने और कोई काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो वोट देने से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं हो सकता है, वोट ज़रूर करें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, कौन सी मैं एक वोट दे दूंगा तो इसकी सरकार या उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा भी बिल्कुल ना सोचे, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके जो मतलब आपका जो नेता है, या आपका जो लोकप्रिय है, या जो अच्छा इंसान है, जो जीत कर एक अच्छी सरकार बना सकता है और देश के हित के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, वो हार सकता है आपके एक वोट ना देने से। तो प्लीज़ वोट ज़रूर करें। और कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि वो कहते हैं यार, कौन जाए, कौन लाइन में लगे, और इतनी धूप हो रही है, फलाना है, ढिमकाना, और वो वोट नहीं करते हैं। तो आप वोट ज़रूर करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वोट के अधिकार को, यानी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किसी निजी स्वार्थ के तहत करते हैं, जैसे कि धर्म के हिसाब से देते हैं, और जाति के हिसाब से देते हैं, समुदाय के हिसाब से देते हैं, या अपने वोट को बेच देते हैं पैसे लेकर, कि जो पैसे दे रही है पार्टी कि तुम जो है वोट मुझे करना और मैं तुम्हें फलानी चीज़ दूंगा या पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जो वोट करते हैं वो भी वोटिंग बेकार है, कि आप अनजाने और जाने में एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो लोभ से जो है आपको लोभ दे के अपने आप को वोट करवा रहा है। तो जो पहले से ही विकृत मानसिकता का है, या जिसके पहले ही लक्षण अच्छे नहीं है, वो आगे देश के लिए क्या करेगा। जो खुद भ्रष्ट है वो आगे देश में कितना भ्रष्टाचार फैलाएगा, आप सोच सकते हैं। तो हमें किसी जाति धर्म विशेष के चक्कर में नहीं फंसना है, और एक अच्छे व्यक्ति को जो धर्म जाति समुदाय और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के देश के लिए कुछ कर सकता है, एक अच्छी सरकार ला सकता है, और आप सबका हम सबका विकास कर सकता है, उसे ही वोट करें और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। एक अच्छी, एक मजबूत और एक ताकतवर सरकार बनाने में अपने मतदान का प्रयोग करें। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग सही से नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो कोई भी अयोग्य, अनपढ़, या कोई सजा याफ्ता, या कोई जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति सरकार बना सकता है और शासन कर सकता है हम पे। तो हमें बहुत ही सोच समझ के अपनी सरकार का चुनाव करना है। इसका अधिकार हमें मिला है मतदान के रूप में, तो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, और आपको मेरी बातें ठीक लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और इस चुनावी त्यौहार का खूब 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 आनंद उठाएं, और अपने मतदान के अधिकार का